चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कल बुधवार को रांची में अपने छोटे बेटे ऋषभ के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। खेसारी लाल यादव अपने इस पारिवारिक कार्यक्रम में सीयू फिल्म्स और क्रिएटिव लैब्स के बैनर तले बन रही भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म दबंग सरकार की शूटिंग छोड़कर पहुंचे थे, जो इन दिनों योगेश मिश्रा के निर्देशन में यूपी के उन्नाव में चल रही है। बता दें कि उनका बेटा ऋषभ अभी 2.5 साल का है। मुंडन संस्कार के लिए खेसारी लाल यादव की पत्नी और ऋषभ की मां ने मन्नत मांगी थी, इसके लगी वो बुधवार में वो रांची एक देवी मंदिर पहुंचे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव अपने बेटे के मुंडन संस्कार को लेकर काफी खुश नजर आ रही हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है मुंडन संस्कार। शिशु जब जन्म लेता है तब उनके सिर पर गर्भ की समस्या से ही कुछ बाल होते हैं, जिन्हें अद्भुत माना जाता है, इसलिए बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त में हमने अपने छोटे बेटे ऋषभ का मुंडन संस्कार किया है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव के मंदिर पहुंचते ही आसपास के लोगों के भीड़ काफी ज्यादा हो गया, जिसपे पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई हुई है। जब भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है हमेशा धमाल मचाती है। अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दीवानापन ने बिहार और झारखण्ड के सिनेमाघरों में जबरदस्त कलेक्शन किया है।